गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस हियर क्लास 9th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। नाउ इन दिस वीडियो बी एक्सप्लेन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट। मैटर एग्जिस्ट करता है थ्री फिजिकल स्टेट में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेज स्टेट। ओके, मैटर एग्जिस्ट करता है थ्री फिजिकल स्टेट में, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेज स्टेट। और गैसेज स्टेट का मीन्स है वेपर स्टेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल वाटर एग्जिस्ट एज ए सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस। जैसे एग्जाम्पल है हमारा वाटर, ठीक है। तो वाटर एग्जिस्ट करता है सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस। आइस की फॉर्म में जब होता है वाटर तो एक सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, से आइस है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है उसमें वाटर। एज अ लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, जब वो वाटर की फॉर्म में होता है तो एक प्रकार से वो लिक्विड स्टेट है। ओके, जब वो वाटर की फॉर्म में है तो उस समय पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। एंड ए गैस इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और जो वाटर है गैस की फॉर्म में होता है जब वो स्टीम, जैसे हम उसको क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, ठीक है। वाटर को अगर हम बॉईल कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे क्या होता है, उसमें स्टीम प्रोड्यूस होने लगती है। तो उस स्टेट में क्या होता है, वो स्टीम की फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है, या वेपर की फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। तो गैसेस की फॉर्म में कब होता है, जब उसको हम वाटर को क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो एक गैसेस की फॉर्म में होता है। ओके, वेपर की फॉर्म में होता है। वाटर कम्स एज आइस आउट ऑफ फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर। वाटर जैसे ही आइस आउट ऑफ फ्रीजर मींस है कि जैसे ही फ्रीजर के कॉन्टेक्ट में आता है आइस, ठीक है, सॉरी वाटर, तो जैसे ही मतलब मीन्स है कि जैसे वाटर को अगर हम क्या रख देते हैं, आइस में, ठीक है, सॉरी फ्रीजर में रख देते हैं उसको, या रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, तो वो एक आइस की फॉर्म में होता है ना, ठीक है। तो जैसे बोल सकते हैं कि अगर सॉलिड की फॉर्म में देखना है हमें, तो एक आइस जो है वो एक सॉलिड का एग्जाम्पल। ओके, और वो कैसे होगा, रेफ्रिजरेटर में, जैसे हम फ्रिज में रख रहे हैं उसको, तो वाटर है, वाटर जैसे फ्रिज में रखेंगे उसको, तो आफ्टर 10 आवर या, तो उसमें क्या होगा, वो एक सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। एज वाटर आउट ऑफ टैप, अगर वाटर को देखते हैं आप, जैसे टैप आपका नल है, तो उस नल में जो वाटर आता है वो कैसा होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। एंड एज ए स्टीम और वाटर वेपर आउट ऑफ केटल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो एक केटल की फॉर्म में, जैसे सपोज कह सकते हैं कि वाटर को आपने बॉइल किया, फिर बॉइल करने के बाद उसको केटल में कर लिया, और वहाँ से फिर क्या हो रहा है, स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शो कर रखा है जैसे आइस है, और आइस को, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये रेफ्रिजरेटर के थ्रू जैसे हमने उसको वो किया, यानी टेम्परेचर को लो कर, तो वहाँ पे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वाटर, वाटर तो जनरली जो होता है वो क्या होता है, वाटर ही है, ठीक है। एंड थर्ड, उसको क्या करा हमने, कुछ टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर को इनक्रीज करने के आफ्टर, ठीक है, अप्रोक्स 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाता है, गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको केटल की फॉर्म में, कमिंग आउट ऑफ द केटल, ठीक है, स्टीम। तो एक प्रकार से कि स्टीम वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। ओके, वी कैन चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज, कि मैटर्स के टू फिजिकल स्टेट, जो चेंज करने के, मैटर को चेंज करने के, ठीक है, टू फिजिकल स्टेट्स हैं। जैसे नंबर फर्स्ट, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, नंबर फर्स्ट है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। एंड नंबर सेकंड, बाय चेंजिंग द प्रेशर। या तो आप किसी भी मैटर को, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर के थ्रू, या फिर आप चेंज कर सकते हैं उसको प्रेशर के थ्रू। ओके, when we say that we can change the state of matter by changing the temperature, ठीक है, जब हम matter की जो state है उसको change कर सकते हैं temperature के through, तो B means that the state of matter can be changed by heating or cooling it, तब उसका means है कि हम उसकी state को change कर सकते हैं heating के through और cooling के through। and when we say that we can change the state of matter by changing the pressure, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की जो स्टेट है वो चेंज कर सकते हैं
इट मीन्स दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। ऐसे ही प्रेशर को या तो आप इंक्रीज करके या फिर डिक्रीज करके उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ओके, मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट था कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके हम चेंज कर सकते हैं मैटर की स्टेट, अदर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल के बीच में या फिर अमाउंट ऑफ मूवमेंट होता है ऑफ ए पार्टिकल कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। तो ये सारे एलिमेंट्स मीन्स है कि जैसे पार्टिकल के बीच में स्पेस हुआ या फिर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर अमाउंट ऑफ मूवमेंट है, मीन्स है अमाउंट ऑफ मूवमेंट। तो अमाउंट ऑफ मूवमेंट से मतलब है काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा कि अगर प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इनका मूवमेंट तेज़ी से होने लगेगा। ऐसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब भी इनका मूवमेंट इंक्रीज होगा। तो इस प्रकार से ये दोनों के दोनों फैक्टर क्या हैं, चेंज कर सकते हैं मैटर्स की स्टेट को। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर, मीन्स है कि ये डिपेंड होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर पर, द सेम सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सारे के सारे सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस स्टेट को। फॉर एग्जाम्पल, अंडर नॉर्मल प्रेशर वाटर एग्जिस्ट एज इन द सॉलिड फॉर्म, कि जो प्रेशर है नॉर्मल प्रेशर वाटर एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में जो होता है, एंड रूम टेम्परेचर ऑफ 0 degree Celsius और बिलो। जब आइस की फॉर्म में होता है तो वो 0 degree Celsius पे होता है या फिर उससे बिलो होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, वो सॉलिड की फॉर्म में होगा। इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर, लिक्विड की फॉर्म में जब वाटर होता है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, एक लिक्विड की फॉर्म में होता है वाटर। एंड एज ए गैस इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एट टेम्परेचर ऑफ 100 degree Celsius और अबव, गैसेस की फॉर्म में होता है या तो 100 degree Celsius पे होगा या उससे और अबव, मीन्स ज़्यादा होगा उससे, ठीक है। वाटर की स्टेट 100 degree Celsius से अबव पर गैस स्टेट में होती है, 0 degree Celsius पर सॉलिड स्टेट में होती है, उससे और डाउन सॉलिड स्टेट में होती है, एंड 0 to 100 कह सकते हैं, ठीक है, या रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट होता है। ओके, फॉर दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द टू फैक्टर विच डिसाइडेड वेदर ए गिवन सब्सटेंस वुड बी इन सॉलिड लिक्विड और गैसेस स्टेट आर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी मैटर्स की सॉलिड लिक्विड और गैसेस स्टेट जो हैं उनमें एक प्रकार से टेम्परेचर और प्रेशर पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये टेम्परेचर और प्रेशर पर ही डिपेंड करते हैं। ओके, थैंक यू।